सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारे पास द अल्टीमेट कैफे रेसर ऑफ इंडिया, द रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। एंड आज हमारे पास इसके दोनों वेरिएंट्स हैं, एक है विथ स्पोक व्हील्स, एक है विथ एलॉय व्हील्स। तो आज हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपेरिजन करने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा वेरियंट लेना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज द रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। दिस वन इज मिस्टर क्लीन एंड दिस इज एपेक्स ग्रे। एक में है अलॉय व्हील्स, एक में है स्पोक व्हील्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं प्राइजेस की। तो GT 650 की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹319,000 एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड गोज अप टू ₹345,000 एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट। तो आज हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट मिस्टर क्लीन, इसकी प्राइस है अप्रॉक्स ₹345,000 एक्स शोरूम। एंड ये है सेकंड टॉप वेरिएंट। इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो ये है एपेक्स ग्रे, एक इसमें आपको मिलता है स्लिप स्ट्रीम ब्लू। वो बेसिकली कलर तो ब्लैक है, उस पर आपको ब्लू स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। एंड दिस वेरियंट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹339,000 एक्स शोरूम। तो आपको ऑलमोस्ट ₹6,000 कम पे करने होंगे इसके लिए, बट इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, तो ये एक बात है। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में। तो दोनों मोटरसाइकिल्स सिमिलर हैं बट अपीयरेंस काफ़ी डिफरेंट है। एक तरफ आपको मिलता है ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल लुक रॉयल एनफील्ड का, जिसमें आपको सभी चीज़ें क्रोम मिलती हैं, स्पोक व्हील मिलते हैं। एंड एक तरफ है मॉडर्न लुक के साथ ये वाला वेरिएंट, इसमें आपको सभी चीज़ें ब्लैक्ड आउट मिलती हैं, एलॉय व्हील्स मिलते हैं ब्लैक फिनिश में। तो ये यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अपीलिंग वेरिएंट है। तो ये थी बात इसकी। एंड पर्सनली मैं भी अगर बोलूं तो मुझे ये वेरिएंट सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें एलॉय व्हील्स आ रहे हैं एंड सभी चीज़ें ब्लैक फिनिश में हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका अपीयरेंस। स्पोर्टियर लग रही है, मोर स्पोर्टियर देन दिस। ये थोड़ी ट्रेडिशनल वाइब के साथ आती है। तो ये थी बात अपीयरेंस की। अब हम करते हैं स्ट्रेट अवे वॉक अराउंड। तो हम करते हैं एपेक्स ग्रे का वॉक अराउंड एंड पैरेलली हम बात करेंगे डिफरेंसेस की, जो कि आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में और मिस्टर क्लीन में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो हेडलैम्प यहाँ पे आपको LED मिल रही है, जो कि सुपर मीटियोर से कैरी की गई है एंड इसकी वजह से लाइट काफ़ी अच्छी हो गई है। आरी का लोगो है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, फ्रंट सस्पेंशन विथ फोक गेटर्स, एंड सबसे अच्छी चीज़ इसका ये मडगार्ड ग्रे फिनिश में है। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में ये मडगार्ड मिलता है। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द फ्रंट व्हील। तो व्हील यहाँ पे एलॉय व्हील्स हैं फ्रंट और रियर दोनों में, एंड एलॉय व्हील्स होने की वजह से ट्यूबलेस टायर्स का ऑप्शन मिल रहा है GT 650 में। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, प्रैक्टिकल अगर बात करें तो प्रैक्टिकल वेरिएंट है ये वाला। तो ये थी बात इसकी। एंड इसमें आपको वर्डस्टीन टायर्स मिल रहे हैं, सो यू कैन सी यहाँ पर लिखा है वर्डस्टीन टायर्स। एंड टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 100x90 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है ट्यूबलेस आपको टायर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है। फ्रंट डिस्क है 320mm की, रियर है 240mm की, डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाता है, फाइबर के कैलिपर्स हैं। तो व्हील का भी अपीयरेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का अपीयरेंस मिलता है। स्पोक व्हील हैं, ब्लैक कलर की रिम है, बट इसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं। टायर्स सेम है, वो भी ट्यूबलेस टायर्स हैं, ये भी ट्यूबलेस हैं, बट उसमें आपको ट्यूब डालना पड़ता है क्योंकि उसमें स्पोक हैं। तो ये थी बात इसकी। चेसी की बात करें तो ट्विन डाउन ट्यूब डबल क्रेडल चेसी है। इंजन वही है जो उसमें आपको मिलता है, बट कलर डिफरेंट है। उसमें क्रोम फिनिश में इंजन है, यहाँ पे आपको फुली ब्लैक्ड आउट फिनिश में ये इंजन मिलता है। 650cc का पैरेलल ट्विन ये इंजन है, 47 BHP पावर जनरेट करता है, 52.3 Nm टॉर्क मिलता है इसमें से। एंड परफॉर्मेंस की वीडियो अगर देखनी है तो ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी देख सकते हैं। सो ब्लैक्ड आउट फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, एंड एग्जॉस्ट भी ब्लैक्ड आउट फिनिश में है। यू कैन सी दो एग्जॉस्ट हैं, तो ये भी ब्लैक फिनिश में है, इधर ब्लैक फिनिश में है, यहाँ पे आपको ये क्रोम फिनिश में मिल रहा है। एंड क्रोम फिनिश का अपीयरेंस कुछ इस तरह का है एंड ब्लैक्ड आउट फिनिश का अपीयरेंस कुछ इस तरह का है। सो ये थी बात इसकी। डायमेंशंस की बात करना रह गई थी, तो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। 1398mm का व्हील बेस है, 174mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 804mm की सीट हाइट है। कर्व वेट की अगर बात करें तो 214kg का कर्व वेट है, एंड दोनों मोटरसाइकिल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 500-600 ग्राम का डिफरेंस है स्पोक और एलॉय में। तो ये थी बात इसकी डायमेंशंस की। नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक में दो नए कलर जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ एलॉय वेरिएंट में,
ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर, और इसमें आपको कुछ इस तरह की ऑरेंज स्ट्रिप मिल जाएगी। 12.5 लीटर का ये फ्यूल टैंक है, क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है। एंड यहाँ वाला एरिया ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, मैं पहले वाली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कई बार कि ये चीज़ें थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। सो यहाँ पे आपको मिलता है एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग टैकोमीटर है, यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं। एंड ये स्क्रीन है जिसमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ फ्यूल गेज है, ओडोमीटर प्लस मल्टीपल ट्रिप्स हैं। सो ये सब चीज़ें हैं, और इसमें ट्रिपर नेविगेशन लगाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो भी अगर हो जाएगा ना तो एक थोड़ा सा एडवांस फीचर मिलेगा। सो ये थी बात, इसकी चाबी इसमें वेव की मिल जाती है। एंड इसका हैंडल बार काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया है, इसकी पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज की है। एंड ये जो स्विचेज़ हैं ये मीटियोर से, सुपर मीटियोर से कैरी फॉरवर्ड किए हैं, ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है, प्लस इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल रहे हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांस फीचर है। USB चार्जिंग मिल जाती है। ब्लैक आउट फिनिश में रियर व्यू मिरर्स हैं। सो ये थी बात, इसकी सीट की अगर बात करें तो सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है फॉर लॉन्ग राइड्स, आप छोटी मोटी राइड कर सकते हैं, अगर आपको लंबी राइड करनी है तो ट्यूरिंग सीट लगवानी पड़ेगी, उसके लिए 3,500 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। सो ये थी बात इसकी। और पीछे के अपीयरेंस की बात करें, सो एपेक्स ग्रे पीछे से कुछ इस तरह की दिखती है, एंड अपनी मिस्टर क्लीन कुछ इस तरह की दिखती है। सो काफ़ी डिफरेंट है अपीयरेंस। पीछे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ये बड़े बड़े सस्पेंशन मिल जाते हैं। रियर व्हील एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, 130x70R18 18 इंच के एलॉय व्हील हैं, 240mm की डिस्क है। एंड पीछे का अपीयरेंस कुछ इस तरह का मिलता है एपेक्स ग्रे में। सो यू कैन सी दिस इज़ द रियर व्यू ऑफ एपेक्स ग्रे, एंड कुछ इस तरह का व्यू है मिस्टर क्लीन का। सो काफ़ी डिफरेंट अपीयरेंस है, एक तरफ है ब्लैक एग्जॉस्ट, एक तरफ है क्रोम एग्जॉस्ट, तो उससे काफ़ी डिफरेंट अपीयरेंस मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलोजन टेल लैम्प मिल जाती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, साड़ी गार्ड है, एंड साइड स्टैंड काफ़ी छोटा है बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस 174mm का है, तो ये एक बात है। एक्सपोज चेन है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो एक बार हम साइड व्यू देख लेते हैं दोनों का। सो दिस इज़ द मिस्टर क्लीन, और सामने ही है एपेक्स ग्रे, तो देख सकते हैं आप काफ़ी डिफरेंट अपीयरेंस है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही रोबस्ट लुक मिल रहा है, रोबस्ट अपीयरेंस मिल रहा है, वहाँ आपको थोड़ा सॉफ्ट लुक मिल रहा है। एंड इसमें आपको कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको परफेक्ट हार्ड लुक मिल जाएगा। सो ये एक बात है। सो ये था ओवरऑल डिफरेंसेस, कंपेरिज़न की अगर बात करें तो दोनों में कंपेरिज़न किया हमने, तो यही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो थोड़ा स्पोर्टियर लग रहा है, एंड ये आपको बिल्कुल वही ट्रेडिशनल रॉयल एनफील्ड वाला अपीयरेंस मिल रहा है। तो अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो एपेक्स ग्रे इज़ मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि वहाँ एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो अगर आप कहीं राइड पर जाएंगे और कभी कोई पंचर वंचर की दिक्कत होगी तो वहाँ आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। स्पोक व्हील में पंचर निकालना थोड़ा टेढ़ी खीर है। तो ये थी बात इसकी, बट जिन लोगों को क्रोम पसंद है वो ये ले सकते हैं। एंड रॉयल एनफील्ड ने मेक इट यूअर्स में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है जिसमें आप क्रोम में एलॉय व्हील्स लगवा सकें, तो आपको एक्स्ट्रा पे करके ही एलॉय व्हील्स लगवाने पड़ेंगे अगर आप क्रोम में लगवाना चाहते हैं या फिर और कोई से वेरिएंट में लगवाना चाहते हैं जिसमें एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT650 कंपेरिजन बिटवीन एलॉय एंड स्पोक वेरियंट। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।